गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज नंबर टू। ओके, इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग पढ़ेंगे? फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ओके, फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कुछ फैक्ट्स हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट फैक्ट क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर इंटरलिंक्ड ओके विथ ईच अदर। देखिए, जो मल्टीपल्स और जो फैक्टर्स होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए इफ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है, ओके, देन 3 इज अ फैक्टर ऑफ 12। देखिए, 12 अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मतलब जैसे मान लीजिए 8 क्या है, अगर 2 का क्या है, मल्टीपल है, 2 का ये क्या है, मल्टीपल है, तो 2 क्या होगा, 2 8 का फैक्टर होगा। 8 अगर 2 का मल्टीपल है तो 2 क्या होगा, 8 का फैक्टर होगा। ठीक है, ये फैक्ट नंबर वन है। उसके बाद से सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फैक्ट। सेकंड फैक्ट क्या कह रहा है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन एंड इटसेल्फ। ये कोई भी नंबर हो वह वन एंड इटसेल्फ, कोई भी नंबर वन और खुद का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ओके, कोई भी नंबर है वह क्या होता है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन एंड इटसेल्फ, खुद का और वन का क्या होता है, मल्टीपल होता है। थ्री, थर्ड फैक्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, वो नंबर खुद होता है। ओके, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है, वो खुद नंबर होता है। ओके, वो नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए 12 का मल्टीपल हमको लेना है तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल इसका क्या होगा, 12 होगा। ठीक, जैसे 13 का लेना है, 13 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 13 होगा। ठीक है ना, वो नंबर खुद होता है। अभी सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर वह क्या होगा, वो वन का मल्टीपल होगा और खुद का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आप फैक्ट नंबर फोर देखते हैं, द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे 14 1 या 14, ओके, 14 2 या 28, 14 3 या 42, ओके, और इस डॉट 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 ऐसे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, इसकी एंडिंग नहीं हो सकती है, ये फाइनाइट नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। फैक्ट नंबर फिफ्थ क्या है हमारा, ओके, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज वन। देखिए, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, वन होता है। ओके, और ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, ये फैक्ट नंबर फिफ्थ है, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर वन और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो खुद नंबर होता है। ओके, जो भी नंबर हम लेते हैं। उसके बाद से फैक्ट नंबर सिक्स क्या कह रहा है, द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फाइनाइट। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। जैसे 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर 1 होगा, 1 से डिविजिबल होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। 6 के ओनली 4 फैक्टर्स होंगे, यानी किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। फैक्ट नंबर सेवन पे हम लोग आते हैं, फैक्ट नंबर सेवन क्या कह रहा है, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज आइदर स्मॉलर देन आर इक्वल टू द नंबर। देखिए, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए 6 के फैक्टर हमने क्या देखा था, 1 2 3 एंड 6, यही फैक्टर हम लोग पाए थे। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से क्या होते हैं, या तो छोटे होते हैं, ठीक है, या फिर उसके इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे 6 के ये फैक्टर देखा जाए, फर्स्ट 1 क्या होगा, छोटा होगा, 2 क्या होगा, छोटा होगा, 3 क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 6 क्या है, 6 के इक्वल है। तो किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके इक्वल होंगे। ये हमारा फैक्ट नंबर सेवन था। अब फैक्ट नंबर एट क्या है, द ओनली नंबर विच इज अ मल्टीपल एज वेल एज द फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए,
द ओनली नंबर विच इज अ मल्टीपल, ओके, एज वेल एज अ फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। देखिए कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमने सिक्स को ले लिया, तो सिक्स क्या होगा, ये सिक्स का मल्टीपल होगा और सिक्स का क्या होगा, फैक्टर भी होगा, ठीक है ना। तो ये सिक्स का मल्टीपल सिक्स होगा और सिक्स क्या होगा, सिक्स का फैक्टर होगा। यानी कोई भी नंबर खुद का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है और खुद का एक क्या होता है, फैक्टर होता है, ओके। तो इसमें हम लोग इन फैक्ट्स को हम लोगों ने जाना है। एक कुछ और चीजें हैं, जैसे मान लीजिए ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ टू आर कॉल्ड इवन नंबर्स। देखिए जितने भी नंबर क्या होते हैं, टू के मल्टीपल्स होते हैं, टू के मल्टीपल्स जो मिलेंगे, जो भी टू के मल्टीपल्स मिलेंगे, टू फोर सिक्स एट एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स, ओके। एंड ऑल द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ टू आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसे नंबर जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं, याद रखिएगा, ओके। अब देखिए इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आते हैं इसके आगे। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, अ नंबर ग्रेटर देन वन विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, ओके, वन एंड नंबर इटसेल्फ। ऐसे नंबर, ओके, जो क्या होते हैं, वन से बड़े होते हैं और उसके फैक्टर मैक्सिमम क्या होते हैं, टू होते हैं। कितने होते हैं, टू। एक तो वन होता है उसका फैक्टर और दूसरा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। तो उस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट अ नंबर ग्रेटर देन वन, ऐसा नंबर जो वन से क्या हो, वन से ग्रेटर हो, ओके, कोई भी नंबर ऐसा लीजिए जो वन से क्या हो, ग्रेटर हो, ओके, एंड मोर देन टू फैक्टर्स, और जिसके क्या हो, मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हो, ठीक है। ऐसा नंबर लीजिए जो वन से बड़ा हो और उसके क्या हो, दो से अधिक फैक्टर हो, यानी वन और नंबर इटसेल्फ से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे मान लीजिए फोर, फोर के फैक्टर क्या होंगे, वन टू फोर। सिक्स के क्या होंगे, वन टू थ्री एंड सिक्स, ओके। यानी कि ऐसे नंबर जिनके क्या होते हैं, दो से अधिक फैक्टर होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ओके। इसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर टू को, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।